नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय इंटर कॉलेज को एक बड़ी सौगात मिली है। स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने इस राजकीय विद्यालय को गोद लिया है। सिद्धार्थनगर जिले की ये राजकीय विद्यालय 2017 से संचालित है, लेकिन इस विद्यालय के भवन में केंद्रीय विद्यालय के अब तक संचालित होने से इस विद्यालय के बच्चे उपेक्षा का शिकार थे, लेकिन अब केंद्रीय विद्यालय के अपने भवन में जाने के बाद इस स्कूल का अपना भवन मिल गया है। 2017 से इस राजकीय विद्यालय के बनने के बाद इसका कोई भी पुरसहाल नहीं रहा। 2017 से ही तैनात इस विद्यालय के प्रिंसिपल विभा चतुर्वेदी कहती हैं कि ये राजकीय विद्यालय यहाँ 2017 से ही शून्य बजट पर संचालित हो रहा है। विद्यालय के करीब 6 कमरों पर अभी भी जिला निर्वाचन कार्यालय का कब्जा है, उसमें तालाबंद है। साथ ही आज भी यहाँ के बच्चे बच्चियाँ अपने शिक्षा नीचे जमीन पर बैठकर ग्रहण करते हैं। कमरों की खिड़कियाँ टूटी हैं, शौचालय का दरवाजा टूटा है, पानी की व्यवस्था नहीं है। विद्यालय परिसर में बड़ी बड़ी घास उगी हुई है। सुविधा विहीन इस विद्यालय में करीब 650 बच्चे हैं, उसमें 350 बच्चियां हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि सांसद जगदम्बिका पाल ने इस विद्यालय को गोद लेने की घोषणा के बाद अब उन्हें ये उम्मीद जगी है कि इस विद्यालय की सारी कमियां पूरी हो जाएंगी, और यह भी सुचारू रूप से कहा कि अच्छे माहौल में बच्चे बच्चियां अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं राजकीय विद्यालय को गोद लेने की घोषणा करने के बाद स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि जब वे सांसद बने थे उनका सपना था कि सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय पर भी राजकीय विद्यालय हो, और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से MSD योजना के तहत ये केंद्रीय विद्यालय बनवाया। सांसद ने कहा कि इस विद्यालय में टीचर की नियुक्ति प्रदेश सरकार के द्वारा हो गई है और यहाँ 650 बच्चे इनरोल भी हैं। पिछले सालों से इस विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय चलने की वजह से इस विद्यालय को सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं जो इसे मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब केंद्रीय विद्यालय के इस विद्यालय भवन से जाने के बाद उन्होंने इस विद्यालय को गोद ले लिया है, और इस विद्यालय में जो भी कमियां हैं, चाहे वह फर्नीचर की, साफ सफाई की, लैब की, सारी कमियों को वह जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे। जगदम्बिका पाल ने कहा कि वे यहां के स्थानीय सांसद हैं। सिद्धार्थनगर जिले के स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना और इसका स्तर बहुत ही ऊंचाई तक ले जाना उनका दायित्व है। ये विद्यालय 2017 से संचालित है और मेरे ही द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है 0 स्टूडेंट से, और अभी तक ये 0 बजट पर ही संचालित होता रहा है, और बच्चे जो हैं जमीन पर बैठते थे अभी तक और अभी भी बैठ ही रहे हैं, और 650 से अधिक छात्र एवं छात्राएं हैं, जिसमें 350 के आसपास यहां पर छात्राएं भी हैं। और आज आदरणीय माननीय सांसद जी के द्वारा इस विद्यालय को गोद लिए जाने की घोषणा की गई है, जिससे हम सब लोग अति उत्साहित हैं और ज़रूर शैक्षिक जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग प्रादेशिक स्तर पर अपने विद्यालय का और इस जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के एक नए आयाम जरूर जोड़ सकेंगे, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। सांसद जी के गोद लेने से किस तरह का उत्साह स्टाफ में है या बच्चों में? बच्चों में बहुत प्रफुल्लित हैं, आह्लादित हैं, और हमारा स्टाफ भी बहुत अधिक खुश है, और मैं तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि जो सृजन करता है, और अभी तक तो ये था कि खेल रहे हैं, अंधेरों में महक रहे होंगे, अभी तक नहीं मिला माहौल, अब माहौल मिल गया है तो ज़रूर हम सोच रहे हैं कि अब ज़रूर नई रोशनी बिखेरेंगे बच्चे हमारे। सर, आपने जो यहाँ पे राजकीय विद्यालय था उसको आपने गोद लिया है, और गोद लेने के बाद वहाँ की दशा किस तरह से बदलेगी, आपका क्या कहना है? देखिए, जब मैं सांसद बना, जिला मुख्यालय पे कोई राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था, केवल बसौनी एक गांव यहाँ से 7 किलोमीटर दूर वहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज था। तो मेरा सपना था कि सिद्धार्थनगर के जिला मुख्यालय पर एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था हो, तो मैंने वो कल्पना की। तो उस समय मैं उत्तर प्रदेश से कोई योजना नहीं स्वीकृत हो पाई, तो मैंने भारत सरकार के MSDP मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैंने वो योजना स्वीकृत कराई। तत्कालीन जिला अधिकारी से वो ज़मीन मैंने BSA ग्राउंड में दिलवाया, जिससे कि हाईवे पे शहर के बच्चे बच्चियों को पढ़ने में आसानी हो। फिर हमने उसका उद्घाटन कराना चाहा, उस समय की सरकार उत्तर प्रदेश की ने उद्घाटन नहीं किया, बरसों तक कोई शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की, तो हमने फिर एक नया इंटर कॉलेज केंद्रीय विद्यालय के रूप में स्वीकृत कराया। वो बिल्डिंग चाहिए थी, हमने उस बिल्डिंग में जिला अधिकारी चेयरमैन होते हैं, उन्होंने दे दिया, और अब जब केंद्रीय विद्यालय बन गया तो उसमें वो विद्यालय चला गया, तो फिर ये राजकीय इंटर कॉलेज हमारी सरकार ने टीचरों की भी नियुक्ति कर दी, प्रभारी प्रधानाचार्य विभा चतुर्वेदी नियुक्त हो गई, हमारे DIO CN मौर्या, और इन लोगों ने
आज राष्ट्रीय एकीकरण परिषद ने वहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई थी, मुझे आमंत्रित किया था, मैं उसमें गया और मुझे इतनी खुशी हुई कि जैसे मेरा सपना पूरा हुआ कि आज एक राजकीय इंटर कॉलेज जिला मुख्यालय पे हुआ। 650 बच्चों ने एनरोल कराया है, लेकिन उस विद्यालय को और ढंग से रिवाइव करने के लिए और मैं केंद्रीय विद्यालय जैसी ही पढ़ाई हो, उत्तर प्रदेश का नंबर एक विद्यालय हो हमारे सिद्धार्थनगर का राजकीय इंटर कॉलेज, इसलिए मैंने गोद लेने की घोषणा की है कि उसमें जिस तरह से कुछ फंड दे करके सहयोग करके विद्यालय के कमरे के फर्नीचर्स की और सब व्यवस्था करा के, और हमने DIO से भी कहा कि सारे टीचर्स की पोस्टिंग हो जाए, निशासन से स्वीकृति हो जाए और एक अच्छी पढ़ाई हो, क्योंकि बच्चों में जो प्रतिभा आज दिखी वहाँ पे आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पे बच्चों में योग जो दिखा, योग करने का, वो मैं उससे बहुत अभिभूत हूँ। और मैं यहाँ का सांसद हूँ तो मेरा दायित्व है कि जब तक समाज, अगर ये आकांक्षा जनपद है तभी आगे जाएगा, जब यहाँ के शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, इन ये स्तर ऊँचे होंगे। आज कनेक्टिविटी में अच्छा हो गया है कि ये ब्रॉडगेज से पूरे देश के सभी महानगरों से जुड़ गया है, हाईवेज अच्छे हो गए हैं, तो और कनेक्टिविटी। अब मैं एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान दे रहा हूँ, प्रदेश सरकार केंद्र को धन्यवाद दूंगा कि मेडिकल कॉलेज की भी स्वीकृति हो गई, प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कम से कम एक सिद्धार्थनगर बदल रहा है, इसलिए मैंने उस राजकीय इंटर कॉलेज को भी गोद लिया है।